नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पर ये दिए गए त्रिभुज में x का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है x का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए, जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें। सो इसको वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जो कि अभी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ट्रायंगल में क्या होगा, कोई एक्सटीरियर एंगल होते हैं, कोई इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हमारा क्या है, जो ट्रायंगल जो होते हैं, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, अब वो क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ओके ये इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या करना है आपको, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये x है, x के साथ में ये दो एंगल जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए, बस x के साथ में जो लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ एंगल को छोड़ देना है, बाकी दो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो अब इसका मतलब जो हमारा ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 70। सो आपका x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 120 डिग्री। सेम टू सेम इसमें करिए, इसमें इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में होगा 100 इक्वल टू x प्लस 50, दैट मीन्स सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर बाहर का जो एंगल होगा उसके साथ में अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू क्या होगा, ये 50 इधर आ जाएगा, 100 माइनस 50, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, 50 डिग्री हो गया x। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों को प्लस करने से इसके बराबर होना चाहिए, 125 के बराबर होने, यानी कि 125 इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री, ओके। सो x इक्वल टू 125 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x इक्वल टू आपको कितना आया, 125 में 90 को माइनस कर दीजिए, 125 में 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12 में 9 किया तो आपको कितना मिलेगा, 35, ओके। तो 35 डिग्री आपका ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम कर देना है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।